तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल, चाहे एग्जीक्यूटिव में चाहे प्रोफेशनल में। इफ यू आर अ सीएस स्टूडेंट देन दिस वीडियो इज फॉर यू। व्हाई? बिकॉज सबसे बड़ा क्वेश्चन जब एग्जी क्लियर करके आता है स्टूडेंट, उसके माइंड में रहता है कि हम प्रोफेशन क्या ट्रेनिंग के साथ मैनेज कर सकते हैं, और अगर मैनेज कर सकते हैं तो कितना मैनेज कर सकते हैं, क्या एक मॉड्यूल देना चाहिए, तीनों मॉड्यूल देना चाहिए। तो इसी के लिए मेरे मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम है प्रतुल गुप्ता, और दिसंबर 23 में इन्होंने निकाले हैं तीनों ग्रुप प्रोफेशनल के। हाँ जी, सही सुन रहे हो, तीनों ग्रुप प्रोफेशनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसके साथ एक और चीज है, ट्रेनिंग के साथ निकाले हैं यार। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर प्रतुल भाई, सबसे प्राउड ऑफ यू यार ब्रदर, तीनों थैंक ग्रुप एक साथ निकाले। यू ब्रदर, थैंक अच्छा, कैसा लग रहा है ट्रेनिंग के साथ निकाल के? यार सुना था क्या ट्रेनिंग के साथ बहुत मुश्किल है, यू। नहीं हो पाएगा, सुना था ऐसा? हाँ ब्रदर, सारे बंदे यही बोलते थे कि पॉसिबल नहीं है। मुझे सारे मना करते थे कि पॉसिबल नहीं है, बट मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का इस मामले में। आई वॉज लाइक एक बार ट्राई तो पक्का मारूंगा, 100% एफर्ट मार के, तो उसके बाद देखा जाएगा जो रिजल्ट है। मेरे से मैंने देखा भी है, आई थिंक सेट ऑफ पड़ा है ना, हाँ सेट ऑफ पड़ा है, सेट ऑफ कोई बेनिफिट मिला है, तो इसको सेट ऑफ का बेनिफिट का लगता है ना, एक इसने ग्रुप में तगड़ा मिला मिला है ब्रदर को। अच्छा देखो भाई, है। पहला तो मैं क्वेश्चन बहुत सीरियसली लूंगा, क्योंकि स्टूडेंट है, बहुत टफ है क्वेश्चन डिसाइड करना इस आंसर को, कि यार प्रोफेशन के साथ कैसे मैनेज होती है। तो पूरा हम बात करने वाले हैं प्रतुल भाई के साथ, पूरा बताने वाले हैं। तो प्रतुल भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए, यार इज इट इजी टू क्लियर सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विद ट्रेनिंग, इज इट इजी? यार वैसे देखा जाए तो पूरी की पूरी जर्नी ही ऐसी है, इट इज़ नॉट ईजी, बट ऐसा भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ये सारा आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे आपको बहुत लोग मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले कि पॉसिबल नहीं है, तुमसे एग्जाम्स ही कभी क्लियर नहीं होंगे, बट ऑल अबाउट योर माइंडसेट ना। अब अगर आप सोच के चलोगे कि नहीं पॉसिबल नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या बिलो एवरेज हूँ, मेरे पास का नहीं है, तो फिर आपके लिए बिना ट्रेनिंग के भी क्लियर करना मुश्किल है। मेरे माइंड में पहले से क्लियर था कि नहीं, आई विल गिव माई 100% एंड ट्रेनिंग के साथ करूंगा, सो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहा। बाकी मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल था ट्रेनिंग के साथ, उस मतलब बारे ये कि तो माइंडसेट कैसे होना चाहिए आपका उस तरीके का। पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना है यार, आसपास पॉजिटिविटी रखनी है, मेहनत करनी है उस गोल को अचीव करने के लिए। सारी गेम उसकी है, सारी आपकी मेंटेलिटी की गेम है। अच्छा दूसरा बतुल ऐसा भाई नहीं ये है कि, कि हाँ जी जस्ट एक नाइट की बात है या कुछ मोटिवेशन वीडियो देख के हो गया, ये सबका आपका इंटरनली आता है कि हाँ मुझे करना है, आई विल डू इट एंड आई विल गेट 100% फॉर। ये सारा मेंटल लेवल का गेम है। हाँ। तो सीएस प्रतुल गुप्ता भाई, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ये कैसा लगा? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यार बढ़िया प्रतुल भाई, बढ़िया ये भाई। बताओ कि हाउ टू मैनेज स्टडीज विद ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग जो हम है हमारे साथ टाइम बड़ा कम बचता है, प्रोफेशनल का सिलेबस बहुत वास्ट है, तीन ग्रुप है, तो कैसे मैनेज करते हो यार? यार पहले मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट अक्टूबर 2022 की स्टार्टिंग से, एंड मैंने 6 8 महीने कुछ फर्म में भी करी, देन उसके बाद मैंने कंपनी में स्विच किया। तो मेरी फर्म की टाइमिंग्स भी कुछ 10 से 7 बजे के आसपास थी, एंड मेरी कंपनी जहाँ मैं अभी करंटली भी काम कर रहा हूँ उसकी टाइमिंग्स हैं कुछ 9 से लेके 6 o'clock तक, 9 आवर्स की शिफ्ट वहाँ भी है। तो मेरा वैसा ही रहता था, 9 आवर्स ऑफिस है, 1 घंटा ट्रैवलिंग में भी जा रहा है, चाहे होम सिटी थी बट स्टिल ट्रैवलिंग का रहता था क्योंकि खराब रोड्स है ये सब। तो मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव चलता था इस मामले में ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका जो मैं लॉ लॉ वाला पार्ट है ना, लीगल वाला पार्ट है, वो मैं ट्राई करता था मैं कंपनी में ही स्ट्रॉन्ग करूँ। जैसे अब कंपनी में बोर्ड मीटिंग होने जा रही है तो मैं ट्राई करता था कि बोर्ड मीटिंग वाला जो पार्ट है, जैसे SS1 आ गया उसके, इसमें आपका सेक्शन 173 174 अट्रैक्ट करता है। सो आई यूज टू ट्राई कि यार मैं ये लॉ ना कंपनी में ही पढ़ लूंगा, मैं ये कंसेप्ट वगैरह कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान ही तेज कर लूंगा, मैं ये कंसेप्ट वगैरह घर जाके टच नहीं करूंगा। तो मेरा ऐसा रहा, मैंने SS1 SS2 मैंने पूरा ICSI के मैनुअल से पढ़ा, जो भी 40 40 पेजेस ईच का आता है। मैंने LODR पूरा बेयर एक्ट से पढ़ा अपनी ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा। मैंने डायरेक्टर वाला पूरा चैप्टर जो है, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग वाला, मैंने पूरा बेयर एक्ट से पढ़ा। देन KMP वाला पॉइंट भी चैप्टर भी मैंने पूरा बेयर एक्ट से पढ़ा, और ये सब मैंने ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आवर्स पढ़ा। तो अगर आप ये चीज़ें कवर करते हो तो मेरे को लगता है कि आपका 70 to 80% जो लीगल वाला पार्ट है ना वो कवर हो जाता है, Definitely. 70 to 80% आपका कवर हो जाता है। बाकी आपके लिए बचता क्या, ड्राई सी थियोरी बचती है, हर सब्जेक्ट में थियोरी बचती है, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। मेरे से मेन दिक्कत तो कंसेप्ट में आती है ना, अगर आपके कंसेप्ट से तेज हो गया, आपको लगता है कि अगर केस स्टडी आएगी मैं टैकल कर लूंगा, मैं सेक्शन नंबर भी कोड करके आऊंगा इसके अंदर, मैं सब सेक्शन नंबर भी लिख के आऊंगा, मैं फॉर्म नंबर भी लिख के आऊंगा, तो पहली बात तो आपको नंबर कैसे नहीं मिलेंगे एग्जाम में, दूसरी बात आपको कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा एग्जाम टाइम में, देते टाइम भी या ड्यूरिंग लाइफ भी। तो मेरा ऐसा रहता था, मैं 9 to 6 के ट्रेनिंग के दौरान मैं लॉ भी पढ़ता था कंपनी में, जब भी फ्री टाइम रहता, जैसे लंच ब्रेक है 1 आवर का ब्रेक है, मैं 10 मिनट खाना खा रहा हूँ,
15 मिनट्स में वॉक कर रहा हूँ या कुछ लेक्चर लगा लिया या बे रेक्ट खोल के बैठ गए पढ़ने लग गए। तो मैंने लाइक पिछले 9 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स तो मैंने डेफिनेटली यही सब करा, मुझे अच्छे से याद है। मैं लाइक कभी वॉक करने नहीं गया 9 मंथ्स ना पिछले ट्रेनिंग के टाइम पे। लाइक आफ्टर लंच पे मैं घर में पढ़ता था कंपनी में बैठ के, देन रास्ते में आते आते भी कुछ वीडियो लगा लिए, मतलब ऐसे कान में ईयरफोन लगा लिए, कुछ भी वीडियो सुन ली हल्का लेक्चर टाइप का। देन घर आके मेरी रूटीन थी कि 6 बजे अगर छुट्टी है मैं 7 बजे घर पहुंचता था। देन उसके बाद यही कुछ 8.5 से 9 बजे के बीच में खाना खाकर बैठ गए। देन वहां से एक राउंड पूरा 1.5 बजे तक या 2 बजे तक या 2:30 बजे तक, जितनी मेरे में हिम्मत बची है आफ्टर माई ट्रेनिंग, मैं वैसे पढ़ता था। तो 2:30 बजे सो गए या 2 बजे सोए, देन सुबह यही आपका 9 बजे ऑफिस है तो 7:30 बजे उठोगे, देन वहां से कैरी ऑन हमेशा। लाइक ऐसा ही रहा मेरा, और नहीं नहीं वही सब बिल्कुल था, शादियां वगैरह सेक्रीफाइस करना, कहीं जाना नहीं, कॉम्प्रोमाइज। लाइक मुझे याद भी नहीं 2 साल में मैंने कभी आउटिंग भी करी हो घर वालों के साथ, 2 साल ऑलमोस्ट मैं इसी सब सेक्रीफाइस तो चक्करों में करना रहा। है। लाइक पहले पहले एग्जीक्यूटिव था, देन प्रोफेशनल में भी सेम रहा अच्छा सब आई थिंक कुछ। एग्जी भी फर्स्ट अटेम्प में निकाला, दोनों को छोड़ एग्जी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप थे, वहां दिया भाई। तो चलो भी बस थोड़ा बहुत। अच्छा मैंने ना दो पॉइंट इसमें नोट करे हैं, जैसे कि तुमने बताया कि अगर हम ट्रेनिंग के साथ कर रहे हैं तो पहला टाइम यूटिलाइज बहुत करना जरूरी है। जैसे लंच टाइम अपन यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में ईयरफोन लगा के मैराथन देख रहे हैं या कोई लेक्चर देख रहे हैं, और दूसरा ये कंसेप्ट क्लियरिटी, क्या बैरक से पढ़ रहे हैं या मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट ये चीज मैंने क्लियरिटी नोटिस करी। बिल्कुल अच्छा थर्ड यही है। प्रतुल भाई ये क्या, देखो आपने तो अपनी जर्नी बताई ठीक है मोटा मोटा बात है, लेकिन ये बताओ जब आप डेली डेली पढ़ते हो ना, पूरा माइंड रिमाइंड आएगा जब आपने रिजल्ट देखा होगा, तो 9 से 10 महीने मेहनत करी, तो यार जब हम पढ़ते थे कभी कभी ऐसा भी होता है पढ़ने का मन नहीं करता, ट्रेनिंग से हम पूरा ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरे टाइम में डील में, तो कभी ऐसा होता था यार डिफिकल्टीज क्या आ गए स्टडीज में? हाँ डिफिकल्टीज रहती थी, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो वो मेरे बस के, लाइक वो मेरे बस के ही नहीं थे, जैसे आपका डीडी है वो सारा रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, वो मेरे समझ नहीं आया कभी। लाइक मैं फर्म में था, मैंने सेक ऑडिट्स वगैरह करे थे काफ़ी कंपनीज के, तो मुझे लगता था कि मैं टैकल कर लूंगा इस सब्जेक्ट को, तो मैं इसको लास्ट में उठाता हूँ। मैं लास्ट में उठाने बैठा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बस लाइक हर चैप्टर में नया ऑडिट का प्रोसीजर दे रखा है, मैं कैसे याद करूंगा इसको। पर ठीक है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अपनी स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर डिफिकल्टी की बात करें तो रहता था, लाइक ट्रेनिंग के बाद पढ़ना ही चैलेंज है बहुत बड़ा, यही था सही बात थोड़ा थोड़ा। लाइक डीमोटिवेशन भी होती थी कई बार, लगता था कि नहीं मैं 2 ग्रुप दूंगा या मैं एक दूंगा या मैं एक अटेम्प्ट डिफर करता हूँ, वही सब चलते रहता था। बट यही ओवर द टाइम अगर मेहनत करते हो तो फिर आप इजीली कर सकते हो, मतलब ना अगर आपका गोल सेट हो उसके लिए वर्क करते हो, फिर जस्ट अगर आपको डीमोटिवेशन हो रही है आप लगा सकते हो कभी, मतलब ऐसा सोचो कि अगर सक्सेस मिल गई मैं मतलब कहाँ किस स्टेज पे हूँगा, क्या रिस्पेक्ट होगी, ये सब सोचो, फ्यूचर फॉरकास्ट करो, अब ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलती है। मैं तो सबसे बड़ा पर्सनली यही फैक्टर करता है। था, कभी सॉन्ग लगा के लाइक वॉक करने चले गए, रनिंग करने चले गए, या कुछ भी लाइक फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कितना अच्छा हो जाएगा अगर डिग्री पास होगी, ये होगा, वही सब थोड़ा मॉनिटरी इतना फैक्टर या इतना मोटिवेशनल। रिलैक्सेशन मिल रहा है ना प्रोफेसर क्लियर करके, टेंशन नहीं है कोई, जून में एग्जाम नहीं है। ना लिटरली मैंने एग्जाम दिया था ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, ये मेरा पहला एक्सी का बोर्ड था और ये वाला था 1.5 साल बाद। मैंने अटेम्प्ट डिफर किया था बीच में, लाइक ट्रेनिंग और मेरी वो स्टडी हुई नहीं थी 3 ग्रुप्स के लिए, तो मैंने डिफर किया था, तो एक्सपीरियंस मेरा है नहीं। बाकी मैं मतलब रिलेट भी नहीं कर सकता बच्चों से जिनके ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं, अटैम मैं लगते हैं रिलेट भी नहीं कर सकता, आई कांट रिलेट। इवन मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, मैं जानता नहीं था मेरा नेक्स्ट क्या होगा, मतलब मेरा क्या रिएक्शन होगा अगर मेरा अटेम्प्ट लगता है इस दिसंबर अटेम्प्ट में, तो आई वॉज ब्लैंक कि क्या होगा, हाउ विल आई रिएक्ट। रिएक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा हाँ जैसा भी बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी रहती। एक क्वेश्चन है प्रतुल भाई, तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं ट्रेनिंग के साथ प्रोफेशनल करूंगा मुझे 1 साल का गैप नहीं चाहिए, तो उसे सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए या फिर बोथ मॉड्यूल देने चाहिए, ऑल मॉड्यूल देने चाहिए प्रोफेशनल के, क्या रहेगी तुम्हारी एडवाइस, ऑनलाइन एवरेज ये स्टूडेंट मेरे कैसे को देना लगता चाहिए? है अगर मैं एग्जीक्यूटिव के बाद की बात करूँ, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ट्रेनिंग परस्यू करो या तो ट्रेनिंग परस्यू नहीं करो। अगर ट्रेनिंग परस्यू करे हो तो मेरे को लगता है कि एक एक ग्रुप देना या 2 ग्रुप देना इजीली लाइक मैनेजेबल है। लाइक आप अगर 2022 में क्लियर करे हो, दैन 2023 में आपका अटेम्प्ट बैठेगा, आप उसमें 6 सब्जेक्ट पढ़ के दे ही सकते हो इजीली, या तो वैसा कर लो। लेकिन अगर स्टडी और कम हो या 1 ग्रुप दे दो, आपके पास वो 2 साल का पीरियड है ना, आप उसमें मतलब अगर निकाल ट्रेनिंग सकते परस्यू करिए आप ट्राई करो, 2 साल में निकाल सकते हो पेपर्स। लेकिन अगर नहीं है ट्रेनिंग बाद में करनी है, फिर 1 साल का गैप लेके सीधा 3 ग्रुप छोड़ो, 3 ग्रुप अटेम्प्ट कर दो एटलीस्ट, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो। लाइक वैसा करो, आप चाहे 3 ग्रुप पास हो या 2 पास हो 1 पास हो वो बात अलग है, बट एक बार स्टडी कंप्लीट करके पेपर दे दो 3 ग्रुप्स के, ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। लाइक अच्छा ये प्रदीप भाई, जैसे कि बेस्ट है। अभी आपने बोला कि आपने फर्म में भी ट्रेनिंग करी है और कंपनी में भी करी है आधे आधे टाइम,
ये बताओ, ट्रेनिंग के साथ ही प्रिपरेशन करोगे आप, तो ये बताओ आपको ज्यादा ना डिफिकल्ट कहाँ पे लगा, कि फॉर्म के साथ मुझे पढ़ना डिफिकल्ट लगा कि कंपनी के ट्रेनिंग करते में, कौन सा आपको डिफिकल्ट लगा? यार मुझे पर्सनली कंपनी ठीक लगी थोड़ी सी इस मामले में। लाइक मैं फर्म में गुस्सा भी थोड़े गलत सीजन में था, मेरे को लगता है एनुअल फाइलिंग वाले सीजन में गुस्सा था, काम तो ज्यादा वहाँ तो लाइक बहुत काम, 3 4 महीने तो वैसा था कि बिल्कुल फ्री नहीं बैठ सकते कुछ भी नहीं, तो वहाँ तो बहुत डिफिकल्टी आई थी स्टडीज में। बट स्टिल कंपनी में थोड़ा अच्छे टाइम में घुस गया तो स्टडीज भी सही हो गई वहाँ पे, तो कर पाया एटलीस्ट। तो रहता है फॉर्म में, तो कभी कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन कंपनी में रहता है सैटरडे ऑफ भी, कंपनी क्या चीज कंपनी में सैटरडे ऑफ रहता है आई थिंक, आपको मैं सैटरडे ऑफ है मेरे मेरा मेरा 6 डे था, अच्छा सीख देता, ओके ओके ठीक मेरा है। खाली संडे ऑफ है। ओके आवाज आ रही है ऑडिबल? बिल्कुल ऑडिबल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, यार देखो ट्रेनिंग के साथ एग्जाम दिए 9 दिन लगातार एग्जाम देना, हाउ यू हैंडल द प्रेशर ऑफ 9 डेज बैक टू बैक एग्जामिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। मेरे को पर्सनली ऐसा लगा कि या अगर एक आप नो पेपर दोगे जून वाले अटेम्प्ट में, एक नो पेपर दोगे आप दिसंबर वाले में, दोनों में टाइमिंग का फर्क है। मेरे को पर्सनली ना यहाँ की टाइमिंग अच्छी लगी दिसंबर में पेपर देने वाली, उसका भी रीज़न है। लाइक मैं वैसा बच्चा हूँ जो कि मतलब पेपर देख के रेस्ट नहीं करता कभी भी, मैं सीधा आके काम पे लगता हूँ, मैं उस टाइप का हूँ थोड़ा। तो मैं लाइक 2 से 5 का पेपर होता था, 1 सेकेंड, ना ठीक हो रहा है, लाइक 2 से 5 का पेपर होता था ना, तो 6 तो 2 से 5 का पेपर है तो 6 बजे घर आ गए पेपर दे के, देन 1 1.5 घंटा रेस्ट किया जो भी किया, तो 8 बजे 7:30 बजे बैठ जाओ ऑलमोस्ट पढ़ने के लिए। लाइक दिसंबर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहां से आप एक साढ़े शिफ्ट मारो 5 से 5.5 6 घंटे की, 1.5 से 2 बजे के आसपास ऑलमोस्ट, ठीक है, 6 घंटे की एक शिफ्ट हो गई आपकी, तो मेरे को लगता है कि 6 घंटे इनफ है एक सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। अगर आपने पढ़ रखा है सारा, 6 घंटे आपने यहाँ रिवाइज कर लिया, फिर सुबह 7 बजे उठ जाओ, तो वहां से भी आपके पास 5 से 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, देन आप उसको वापस रिवाइज भी कर सकते हो। बट जून वाले में वैसा नहीं, जून के बाद जून में आपके पास एक ही पूरा लंबा टाइम है 12 घंटे का ऑलमोस्ट, हाँ यार ये थोड़ा तो दिक्कत आती है, मैंने एनालाइज करी, दिसंबर को थोड़ा टाइमिंग सही रहती है, मुझे भी सही लगा पर्सनली। दिसंबर का टाइमिंग थोड़ा बेटर रहता है। लाइक मैं लाइक जैसे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स थे ना, मैं उसको 2 बार रिवाइज कर पाता था एग्जाम से पहले। लाइक जैसे आपका गवर्नेंस आ गया छोटा था, ड्राफ्टिंग छोटा था, आरसीडी छोटा था, सीआरआई लंबा था, बहुत फंडिंग लंबा आईसीडीआर के अलावा सब छोटा था, बाकी 2 तो ओपन बुक है उनका, ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा प्रतुल भाई एक और क्वेश्चन ये, सपोज दैट कि सपोज कि आपने तो करा ही एग्जाम दिए हैं, तो नंबर ऑफ लीव्स कितनी मिली आपको, और वो नंबर ऑफ लीव्स इनफ थी क्या रिवीजन करने के लिए सारे पेपर्स का? यार मैंने ऑफ लिया था ऑलमोस्ट नवंबर के मिड से, सो ऑलमोस्ट मेरा वन मंथ था मेरा एक्सक्लूडिंग एग्जाम डेज, मैं 15 नवंबर से ऑफ पे गया था। अब तो 3 ग्रुप दे रहे हो, इनफ तो ऑफ कोर्स नहीं बैठती 1 मंथ की छुट्टी, बट वही था 1 मंथ है जो करना है इसी में करना है, तो वही था 5 to 6 hours का स्लीप साइकिल किया पर डे का, सुबह 8 बजे उठ जाना, शाम को पूरे दिन पढ़ते रहना, कभी लाइब्रेरी में कभी घर में, कभी वॉक करते करते दोस्त को बोला कि स्कैनर बता मेरे को, चल स्कैनर सॉल्व करते हैं कॉल पे, मैं लाइक चक्कर लगा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि मुझे स्कैनर पढ़ा, स्कैनर सॉल्व करते हैं साथ में, मैं 1.5 2 घंटा कॉल पे हूँ, स्कैनर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर घर आके दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। तो वैसा था, मैं दिन के 2 सब्जेक्ट उठाता था ड्यूरिंग माई 1 मंथ लीव्स, और उनका स्कैनर कॉल पे नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड के साथ या घर में स्टडी करूँ चैप्टर वाइज, ऐसा मतलब फिर 4 5 दिन में 1 सेट 2 सेट खत्म करने वैसा पढ़ता था मैं, फिर उनके पास फिर क्वेश्चन देखना है, एमसीक्यूज देखने हैं, यही जो स्कैनर्स वगैरह ये सब सॉल्व करने कॉल पे ही बैठ के। राइटिंग प्रैक्टिस पर्सनली कम करी थी मैंने, ये थोड़ा था ड्रॉबैक मेरे में, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, बट मेरी राइटिंग टाइम स्पीड लगा, अच्छी है, मैं पेपर कभी नहीं छोड़ता, मैं वो राइटिंग स्पीड अच्छी है मेरी, तो वो था, बट राइटिंग प्रैक्टिस कम करी थी वैसे मैंने, वो टाइम ही नहीं मैनेज हुआ कभी। ओके अच्छा प्रतुल भाई एक बात और ये, कि थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, कि जब हम पढ़ते हैं सपोज सपोज का आप 3 मॉड्यूल दे रहा है कोई इंसान, आप तो पूरा कर चुके हो उसको प्रेशर पूरा हैंडल कर चुके हो, कि अगर कोई बंदा 3ों मॉड्यूल दे रहा है ठीक है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है अभी, चाहे फर्दर अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट रहता है ठीक है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है मेरा रिजल्ट
कैसा आएगा, मेरी पढ़ाई कैसी होगी, मेरे एग्जाम कैसे होंगे। तो लाइक उस फेज से गुजरते हुए ना वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो अगर तुम्हारे पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा हुआ है, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हूँ और एग्जाम मेरे नजदीक आते जा रहे हैं, तो यार उस चीज को कैसे फेस किया है? सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना चाहता हूँ, कैसे एक स्टूडेंट कैसे फेस करता है उस चीज को। फ्रस्ट्रेशन तो लाइक हफ्ते में 2 दिन होती थी मेरे को, लाइक ऑन एन एवरेज मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता था। यही है, फ्रेंड से बात करो, फ्यूचर के बारे में सोचो कि इतना अच्छा हो जाएगा अगर पेपर पास हो जाएंगे, अच्छा पॉजिटिव आएगा, ये सब ऐसे हैंडल करता था। बाकी यही है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, अच्छे लोगों से बात बात करो, अच्छे मेंटोर्स से बात करो, अच्छे मेंटोर्स ना उनसे बातें करो इस बारे में, जिन्होंने क्लियर कर रखा है उनसे बातें करो। तो बाकी सब, बाकी आप तो बैठे ही हो मोटिवेट करने के लिए, उससे तभी कम ही एमसीएस थोड़ी के है लिए कोई। कॉल आया था नवंबर में, एमसीएस के लिए कॉल आया था। हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल एमसीएस के लिए कैसे भाई, था? तेरा कहाँ लास्ट के टू अटेम्प्ट थे ना, आउट ऑफ द बॉक्स का था एमसीएस का, तेरा तो से। पहला अटेम्प्ट था भाई। तो ये बता एमसीएस का कैसा लगा हाँ था? भाई, एक तो मैंने तेरे से पूछा था, हाँ तूने कहा था जो मिलता है उठा ले, तो मैंने एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल्स उठाए थे, मैं सीए की किताबें भी का भी मैंने देखा था कि मुझे लॉ की किताबें मिल जाए। मतलब मेरे को वो था कि मेरे को बस इंडेक्स पता हो और मेरे को बस पता हो कि कंटेंट कहाँ पे है। बाकी हाँ मैंने यार वो सीए बात की है। किताबें भी मंगाई थी, मैंने सीएस की भी थी, लाइक सब कुछ उठा लिया था साथ में मैंने, बट लकीली लाइक पेपर अच्छा आ गया इस बारी। अच्छा बट क्या आई डर वॉज रेडी था? कि अगर बाहर, हाँ, वही डर ऑफकोर्स था, लाइक मेरे लिए तो वो था ना यार, यही अटेम्प्ट है, सब कुछ इसमें दे दिए, मेरे लिए ज़्यादा इसमें लाइक स्केरी अटेम्प्ट था मेरे लिए। बाकी हाँ यही वो तो था कि बात मेरे को बता रहे। मतलब आई वॉज रेडी कि अगर आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया तभी फेल दूंगा, कुछ ना कुछ तो लिखाऊंगा, ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल ही नल्ला हो गया या छोड़ के आऊंगा, मैं कुछ ना कुछ करके आऊंगा। जरूरत पड़ी नहीं उसकी। बट आई वॉज अच्छा प्रिपेयर्ड। रहा होगा, काफी अच्छा था, तो मैंने भी देखा मिसेस का, इस हिसाब से काफी सही था। अच्छा एक और क्वेश्चन एफसीसी यार, पेपर ये जो अच्छा। ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार जैसे कि तुम तीनों मॉड्यूल दिए, तेरे माइंड में ऐसा होगा ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता तो शायद मैं और रिविजन कर पाता और मैं पढ़ पाता। तो तेरे को ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तेरे को अफेक्ट करा स्टडीज को? मतलब अगर अफेक्ट करा तो कहां तक अफेक्ट करा स्टडीज को? लाइक मैं एक फैकल्टी से बात कर रहा, मैंने इवन दो फैकल्टी से बात करी थी कॉल पे, तो दोनों ने मुझे पहले बात तो यही बोला कि तेरे नंबर अच्छे आए हैं, बट तू थोड़ी और मेहनत करता देन तेरा रैंक आ सकता था, तो रैंक पक्का टॉप 5 पे आता। देन मैंने कहा सर मैंने ट्रेनिंग के साथ करा, देन दे सेड कि हाँ यू डिड इट वेल, लाइक तेरा आता, लेकिन अगर तू ट्रेनिंग नहीं करता या तूने ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छे और रिविजन किया था, बस लाइक सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने ट्रेनिंग के साथ करे, तीनों ग्रुप दिए हैं तो मुझे इतना इम्पैक्ट किया। बट आई वॉज ओके, लाइक मेरा गोल भी इतना था कि मैं तीनों ग्रुप्स के साथ ट्रेनिंग खत्म कर लूँ, मुझे कुछ होना चाहिए इसके अलावा, बट वो अकम्प्लिश हो गया तो आई वॉज गुड। अच्छा रैंक का सोचा था यार, रैंक आ जाए या फिर कहीं ना कहीं माइंड में था रैंक का? यार अगर आप 3 ग्रुप दे रहे हो तो हल्का सा तो लालच आ ही जाते हैं कि आ जाए, बट नहीं आया, बट आई वॉज स्टिल ओके, लाइक अच्छे नंबर आया, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड तो है, निकल गया सीएस। सेटिस्फाइड। हाँ ऑलमोस्ट ट्रेनिंग भी खत्म है, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की पेंडिंग है, डन, फिर तो पूरा ऑफिशियली सीएस मान लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होते। मान लेना भाई। अच्छा एक बात और ये कि प्रतुल भाई तुम्हारी क्या एडवाइस रहेगी उन स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसका जून में एग्जाम है या दिसंबर में एग्जाम है नेक्स्ट, और वो ट्रेनिंग करना है साथ के साथ, तो कैसी एडवाइस है तुमने फॉलो करी अपनी ट्रेनिंग में, और तुम चाहते हो कि वो स्टूडेंट यार इस चीज को मिस मत कर देना बिल्कुल भी? पहला तो यही है कि जो मैंने बात पहले भी की कि अगर ट्रेनिंग में हो तो ट्राई करो कि जो काम कर रहे हो उसको प्रैक्टिकली लिंक करके चलो। अगर आप मिनट्स बना रहे हो तो मिनट्स को आप SS1 से कंपेयर करो, SS2 में कंपेयर करो कि क्या कंटेंट उसमें है और मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, इससे आपका ट्रेनिंग का आउटपुट भी अच्छा निकलेगा और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ेगी। अब जैसे मिनट्स वगैरह तो आप डायरेक्टर्स के SS1 SS2 देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, आप सेक्शन रेफर कर सकते हो, अगर लिस्टेड कंपनी का कुछ काम कर रहे हो आप LODR का रेफर कर सकते हो, आपका बेसिकली आपकी तैयारी पेपर्स की भी हो रही है साथ साथ में इनडायरेक्टली। बाकी ये सब चीज़ें कर सकते हो, और बाकी अगर आप ट्रेनिंग के साथ पेपर दे रहे हो तो मानो ना मानो आपको ट्रेनिंग के आपको स्टडीज के मामले में थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बेसिकली कोचिंग के मामले में, आप हर सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं ले सकते, थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, हर की कोचिंग नहीं ले सकते आप। तो मैंने भी थोड़े सिलेक्टिव हुआ था, कोचिंग मेरे पास थी बट मैंने लाइक कंसेप्ट के लिए मेनली पढ़ता था, थ्योरी वाले मैं खुद से कवर करता था, और बाकी कुछ नहीं है, लगे रहो हो जाएगा। लग रहा है जाएगा। अच्छा कहीं कहीं ना कहीं ये था क्या डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, सोशल मीडिया को लेके या फिर इंस्टाग्राम को लेके या रिलेशनशिप को लेके, कहीं डिस्ट्रैक्शन टाइप था कुछ लाइफ में जर्नी में? हाँ लाइक सोशल मीडिया तो मैंने ऑफ कर लिया था
टाइम 3 महीने के लिए ऑलमोस्ट, एंड ज़्यादा सोशल मैं हूँ नहीं, आई हैव लेस फ्रेंड्स, सो उस मामले में आई वाज सॉर्टेड। और एनी अदर डिस्ट्रैक्शन, एनी अदर डिस्ट्रैक्शन, नो, बाकी बस इट वाज गुड फर्स्ट क्लास, अदर बढ़िया। एंड एंगल से। और बढ़िया। अच्छा ये बात हो प्रथम भाई, जैसे क्या एक्सपीरियंस है, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे आते हैं। फर्म में भी ट्रेनिंग करी है, कंपनी में भी करी है, तो दोनों का अगर कंपेरिजन माने अगर आपसे कि यार कौन सा अच्छा था, कहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ सीख, मतलब एक तरीके से क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा दोनों में, एक एक करके बता दो। यार कंपनी में आप लाइक बेसिकली कंपनी की ओर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो एक तरीके से, लाइक कंपनी में ही आप, कंपनी अगर लिस्टेड है तो लिस्टेड का काम सीख लोगे, और कंपनी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सीख लोगे। अगर कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन टाइप हो रहा है, कुछ बोनस स्प्लिट या प्रेफरेंशियल हो रहा है, आप वो वाला काम सीख जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस की वैसा फर्म के में वैसा है ना, आप LLP का काम भी सीख रहे हो, आप कंपनी वाला भी सीख रहे हो, लाइक दोनों के अपने पॉजिटिव्स हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कंपनी के साथ मेरे को लगता है स्टिल थोड़ा सा ईजी है मैनेज करना स्टडीज़ को ना। फर्म में जैसे आपका एनुअल फाइलिंग का पीरियड आएगा तो वो तो लगेगी फिर नहीं लगेगी, बहुत लगेगी सही बात है, बहुत लगेगी। बहुत ज़्यादा। बाकी यही है, अगर ट्रेनिंग के साथ आप ये स्टडीज प्लान करिए, थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर चलो कि मुझे किसकी कोचिंग चाहिए, किसकी कोचिंग लेनी है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं खुद से कर सकता हूँ, या जो मैं खुद से मैराथन से करूँगा, या मैं खुद ही से कर लूँगा, किसके लिए मुझे कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, इस मामले में थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। जैसे पर्सनली मेरे लिए ना फंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, सारे बोलते थे फंडिंग ईजी है, बट मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट गया, क्योंकि आई वॉज लाइक मैं क्या करूँ इसमें। LODR है वो, बस 14 में से वो एक चैप्टर है जो मैंने कंपनी में सीख लिया, बाकी सब कुछ तो नया नया। ICDR तो हमें बेसिक सा आता है, इतना कुछ तो करा नहीं है उसमें, तो मेरे को वो थोड़ा सा भारी गया था मतलब ना करने में। लेकिन बाकियों को यूजुअली हल्का जाता है, दे भी लाइक कि नहीं ठीक है, तो वही डिपेंड करता है। अब जैसे गवर्नेंस का पेपर है, अब उसमें सारे के सारे सारे लोग एफर्ट मारते हैं पार्ट B और C में। पार्ट A में लोग चैप्टर 1 के अलावा बाकी बाकी सब करते हैं, और हाँ पार्ट D तो है ही नहीं गवर्नेंस में आई थिंक, कुछ किसी के वो लिए तो भी ऐसा कुछ है नहीं है, पार्टी तो सबने वो एक्सक्लूड तो कर ऐसा दिया। कुछ पार्टी ने सब छोड़ रखा है। तो आप ये चीज़ देखो एक बार कि पार्ट B और C जो है वो सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, जो कि इतने भारी भी नहीं है, 40 तो कितना मार्क्स टाइम डिजर्व करते हैं वो, कितना टाइम डिजर्व करते हैं, मतलब मार्क्स छोड़े एक बार चैप्टर कंटेंट वाइज देखो कितना कितना टाइम डिजर्व करते हैं आपका। 3 to 4 hours रिविजन मोर देन इनफ है, लाइक अगर 1 day पहले वाले भी बात करें तो स्टिल आपके पास हाँ मतलब 8-9 घंटे हैं। तो आप मतलब अगर जैसे कंपनी में हो आप या ट्रेनिंग वाले हो, तो आपको पार्ट A में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें LODR डायरेक्टर यही सब है, बस वो दो जो जो दो चार चैप्टर्स हैं रट्टे वाले उस पर प्रॉब्लम आएगी, बाकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके कवर है ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के दौरान। पार्ट D तो चलो मैंने भी छोड़ा था, मैं कुछ नहीं कहूँगा वो ये तो थोड़ा यूनिवर्सल है, सिलेक्टिव हर होकर कोई चलना छोड़ता है उसको, पड़े, वो तो यूनिवर्सल है पार्टी हाँ छोड़ते हैं सारे, वर्थ इट ही नहीं है अपना पढ़ना। बाकी जैसे ट्रेनिंग की थी मुझे ड्राफ्टिंग में भी, ड्राफ्टिंग में काफ़ी हेल्प हुई, लाइक मिनट्स वगैरह जो भी हमारे इस बार आए थे पेपर पर, नोटिस एजेंडा बनाना वो मैंने बना लिया था, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई था। बाकी RCD में भी प्रॉब्लम आई थी मेरे को पर्सनली पढ़ने में, क्योंकि लाइक वो लॉज ऐसे हैं जो कभी पढ़े नहीं कभी सुने नहीं ट्रेनिंग के दौरान भी, वो थोड़ा उसके लिए कोचिंग ली थी मैंने। बाकी DD मैंने सेल्फ पे किया था, और जो CRI वाला पोर्शन है ना, CRI वाले पोर्शन में मैंने IBC वाला पार्ट जो है मैंने उसका लॉ स्ट्रॉन्ग किया था अपने में ना, लाइक सेल्फ स्टडी के बेस पे मैंने उसका लॉ स्ट्रॉन्ग कर लिया था। अब वो चाहे मैं किसी के नोट से रेफर करूँ या खुद के नोट से, मैंने उसका लॉ स्ट्रॉन्ग किया था, और 230 से 240 का मैंने लॉ स्ट्रॉन्ग किया था। लॉ स्ट्रॉन्ग करने का बेनिफिट क्या, अगर कोई केस स्टडी आएगी आप टैकल कर लोगे उसको, कोई केस स्टडी आएगी टैकल कर लोगे, बाकी बचती है थियोरी आपकी, तो थियोरी आप लाइक 1 go में पढ़ के भी निकाल सकते हो आराम से। मेन बात है कंसेप्ट तेज करने की, कंसेप्ट तेज होने चाहिए सारे आपके, कंसेप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि तो सारी गेम ही उसकी है। सही बात है। अच्छा प्रतुल भाई, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? 9 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, दूसरे को फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा लगा? यार जब मजा आया पढ़ने में यार, ये सब्जेक्ट तूफान सब्जेक्ट था, मजा आया पढ़ने में। फंडिंग, जैसे कि फंडिंग मुझे लगा था कि हाँ ये सब्जेक्ट नॉलेज दे रहा है, ये वैल्यू एडिशन है लिटरेरी, लाइक ये सब मैंने एग्जाम में कभी नहीं पढ़ा, तो फंडिंग वाज लाइक कि हाँ ये एडिशन दे रहा है, इसमें नॉलेज मिल रही है एक्स्ट्रा, मैं गेन कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। ICDR डेप्थ में पढ़ा था, उसमें खोल खोल के पढ़ा था ICDR,
साथ में मैंने सर्कुलर्स भी पढ़े थे इस अटेम्प्ट के, दिसंबर 23 के अटेम्प्ट के लिए। लास्ट टाइम सर्कुलर से भी क्वेश्चन आए थे ना AIF वाले में, मैंने सर्कुलर्स भी पढ़े थे इस अटेम्प्ट के लिए, लाइक 6 महीने के सर्कुलर्स पढ़े थे मैंने। तो वो लाइक अच्छा था मेरे लिए सब्जेक्ट पर्सनली, वो वाला ICDR और सबसे लाइक बेकार फंडिंग अच्छा। बेकार बोरिंग सब्जेक्ट जिसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अरे अच्छा नहीं। DD नो अच्छा डाउट DD। टैक्स लॉस का तो बताओ, टैक्स लॉस तो भाई चारों तरफ घूम रहा है, जरा मुझे तो इंट्रोड्यूस करो। टैक्स लॉस का लाइक वही था, मेरे पास टाइम नहीं था तो रात को, तो जिस दिन मैं पेपर दे के आया था रात को, मैंने अपना इनकम टैक्स और कस्टम खत्म किया। सुबह उठ के मैंने जीएसटी करा, जिससे मैंने एग्जम्पशन वाला चैप्टर छोड़ दिया। आई वाज लाइक ये कवर नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। पेपर देने की एग्जम्पशन सबसे ज्यादा आ रखी है। मैंने DT देखा, DT स्टिल आई वाज लाइक कि हाँ DT आता है, पहले DT स्टार्ट करते हैं। DT और कस्टम क्वेश्चन कर लिया मैंने, फिर GST पे आया, फिर वही थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली दिमाग थोड़े थोड़े लगाते सब्जेक्ट लगाते हो जाता है ऐसा। हाँ GST का उसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी यार पेपर में, टैक्सेशन की। बाकी तो बढ़िया। बाकी सब बढ़िया होगा। एग्जाम ओपन बुक का भाई कैसा एक्सपीरियंस था? ओपन बुक से होता, पहली बार एग्जाम दी ओपन बुक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यार MCS को तो क्या बताऊँ, एक तो मैं सारी किताबें लेके गया था, साइड पे रखी थी, काम तो कोई किताब आई नहीं, गवर्नेंस की किताब से क्वेश्चन आ रखे थे काफी, हो गया। लेकिन लिटरली अगर असली ओपन बुक की बात करनी हो ना, IBC का पेपर था वो, लाइक ऑप्शन वाला। वो प्रॉपर एक ओपन बुक पेपर था ना, कि सिलेबस लिमिटेड आपको पता है, एंड वो हाँ वो लिटरली ओपन अच्छा बुक है। वाली वाइब दे रहा था, वो वाइब दे रहा था ओपन बुक वाली। IMCS में तो वो था ना कि पता नहीं पेपर आना कहाँ से आना, कैसा डर था आना है, पहले। सिलेबस आना भी है कि नहीं आना है, तो वो डाउटफुल था। बट IBC का पेपर वॉज गुड, ये अच्छा था MCS पे आई सिलेबस, वॉज डाउटफुल, सिलेबस आना भी है कि नहीं आना, थोड़ा डाउट था। वो डाउटफुल था और वहम भी था वैसा। बट अब तो अच्छा आएगा ये, क्योंकि एक बार ट्रैक पे आ गए तो अब और बाकी लाइफ बिफोर रिजल्ट 25th फेब एंड आफ्टर 25th फेब कितना रिलैक्सेशन मिला, रिजल्ट रिएक्शन, यहाँ पे सबसे जानना चाहता है स्टूडेंट, व्हाट वाज योर रिजल्ट रिएक्शन? यूनो मॉड्यूल पास पास पास, हाउ वाज दिस? बताता हूँ थोड़ा, स्टार्टिंग से बताता हूँ। लाइक 24 की रात का बताता हूँ, मेरा सिंपल प्लान था कि रात को लेट सोऊंगा, सुबह लेट जागूंगा, 11 बजे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देख लूंगा, अच्छा आया तो खुश होऊंगा, नहीं आया तो देखा जाएगा जैसा भी है। तो मैं रात को 1:30-2 बजे सोया, 24 की रात को, ये 25 मतलब सुबह पापा ने दुकान के काम से उठा दिया 8 बजे, उनको नहीं पता था रिजल्ट है मेरा आज, मैंने बताया नहीं था कि रिजल्ट है, उन्होंने सुबह मुझे 8 बजे उठा दिया कि काम है आज। आई वॉज लाइक 3 घंटे पड़े हैं, टाइम पास कैसे होगा, आधे घंटे में काम खत्म हो गया, उन्हें पता नहीं रिजल्ट था। फिर जैसे जैसे करके टाइम काटा, फिर मैं 10 10:30 बजे में स्टार्ट हुआ वो साइट स्क्रॉल करना, लाइक बार बार रिफ्रेश करना रिजल्ट आ जाए। फिर 45 पे रिजल्ट देखा, तीनों देखे पास पास, पास नंबर नहीं देखे, मैंने मम्मी को सुनाया, गले शले लगाए, आपको शी वॉज ऑल्सो हैप्पी। फिर मैंने ऑफिस वाली मैम को फोन किया, दोनों मैम्स को फोन किया कि मैम पास, वो तो इवन क्या भी रहते तेरा पास है, बट आई वॉज लाइक नहीं ऐसा नहीं होता कुछ भी हो सकता है, उन्हें बताया पास पर। फिर जो 2-2.5 घंटा मैं कॉल्स पे रहा हूँ, इवन आई डोंट नो कितने के कॉल रिजेक्ट हुए उस टाइम पे, वो लेकिन मैजिकल मोमेंट था बहुत ज्यादा ना वो। एकदम बेहतरीन फीलिंग, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाले फीलिंग होगी एकदम, सबके कॉल्स वगैरह इधर से उधर। हाँ बस 1 हफ्ता रहा था यार, वो अभी नॉर्मल हो गया। अभी तो ऐसा लग रहा है आगे क्या करूं, अब तो भाई कुछ नहीं, बेटरमेंट के एंजॉय लिए। करो, अब तो पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी होगी सीएस की, आगे क्या प्लान है, सीए वगैरह का प्लान सीए है? कहाँ पॉसिबल है यार, LLB करेंगे। हाँ अभी एलएलबी करोगे एंड लास्ट क्लास में देखते हैं फिर, तो अभी अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सीएस निकलेगा बहुत काफी। टाइम है यार, तो थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू भाई, थैंक यू। होप सो 25 अगस्त को आप भी सेम बस भाई मेहनत चल रही है, दुआएं हैं आपकी, हो जाए सेम तो हो, मेहनत तो पूरी कर ही रहे हैं। मैं भी आपका इंटरव्यू लूंगा ऐसा सेम। अरे बिल्कुल, 25 अगस्त को सबसे पहले ठीक कॉल। चलो है भाई, तुम भी थैंक यू कॉल सो मच करना ब्रदर। MCS के लिए। थैंक यू बिल्कुल ब्रो, भाई थैंक यू, पूछूंगा। थैंक थैंक यू सो मच ब्रदर यू। प्रतुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपने ठीक जो शेयर किया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक कहीं पे कवर होता नहीं है, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट को यार, प्रोफेशनल कैसे निकालें, ट्रेनिंग के साथ कैसे निकालें, बहुत ज्यादा जरूरत है अरे स्टूडेंट्स यार को। I'm always available यार, कोई भी इश्यू हो always available। तो प्रतुल भाई भी ऑलवेज अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा लगा प्रतुल भाई, क्योंकि ये बहुत नॉलेज वाली वीडियो थी, तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी इससे।
यार हेल्प लेगी, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रोफेशनल या एग्जाम ट्रेनिंग साथ दे सकते हैं। तो इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू विद यू, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन थैंक यू बिकमिंग ब्रो, थैंक क्वालिफाइड यू, कंपनी सेक्रेटरी। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, चलो ओके बतुल भाई, मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू।